नगर में ब्रजमुट सभा की धराशायी होने को लेकर नागपुर मैदान को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा पर विपक्ष की राजनीति करने की बात राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने कही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर अध्यक्ष भुवनेश्वर पेठे ने आज ब्रजमुट सभा को लेकर मैदान का जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागपुर में नागरिकों की एकता और महाविकास अघाड़ी सरकार को मजबूत होता देख बीजेपी बिना वजह माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। लोकशाही में हर पार्टी को सभा लेने का अधिकार है, किंतु बीजेपी खेल मैदान का मुद्दा बनाकर कठिनाई निर्माण कर रही है। ब्रजमुट सभा रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा तक बीजेपी ने कटाया है। जहां तक जानकारी है, आज शाम तक इस बात पर निर्णय ले लिया जाएगा। इसके साथ ही भुवनेश्वर पेठे ने तानाजी वनवे, शेखर सावराम बांदे समेत अन्य राष्ट्रवादी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में मैदान पर मंडप पूजन भी किया। आपको बता दें कि ब्रजमुट सभा 16 अप्रैल को दर्शन कॉलोनी मैदान केडीके कॉलेज के सामने नंदनवन में शाम 4 बजे आयोजित की गई है। भाजप वाले महाविकास आघाडीचे संभाजीनगर मध्ये झालेली सभा पाहून ते रडीचा डाव खेळत आहे। त्यांना माहित आहे की नागपूर शहरातली पूर्व विदर्भातली जनता एकत्र होत आहे, महाविकास आघाडी मजबूत होत आहे, त्याच्यामुळे नाना प्रकारचे कुठे खेळाचं ग्राउंड आहे म्हणून त्याचा विरोध करणे, कधी काही करणे, आता ते मला वाटते की काही कोर्टात गेले कोणी, आता ते जे काही करायचं आहे तर सरळ पद्धतीनं ह्या लोकशाहीमध्ये करायला पाहिजे। लोकशाहीमध्ये सगळ्यांना सभा घेण्याचा अधिकार आहे, सगळ्यांना सगळ्याच गोष्टीचा अधिकार दिलेला आहे, परंतु भाजप हे विनाकारण माहोल खराब करण्याचं काम येणाऱ्या आतापर्यंत करत आहे। पुढे ह्या अशा व्यवस्था त्यांनी उभारलेल्या आहे, हा व्यवस्था नागरिक त्यांना कधी माफ करणार नाही। NBCN न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।